नमस्कार, मैं हूं नदीम अहमद। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। पूरे देश भर में अगर किसी शहर के नाम की चर्चा हो रही है तो वो है शाहीन बाग। बीजेपी शाहीन बाग को लेकर के लगातार हमलावर है। दिल्ली के अंदर चुनाव का माहौल है और बीजेपी शाहीन बाग का मुद्दा बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती। और पिछले दिनों कुछ दिनों से शाहीन बाग में कुछ ऐसी ऐसी बातें सामने निकल के आ रही हैं जिसके बाद से बीजेपी और तमाम उन नेताओं को शाहीन बाग मौका दे रहा है कि लोग उन पर हमला करें। जी हाँ, कुछ दिन पहले ही बयान आया था, वो दिया था शर्जिल इमाम ने। उन्होंने कहा था कि भारत को आसाम से अलग कर दिया जाएगा। उसके लिए वो उपाय भी बता रहे थे, बहुत सारी बातें बता रहे थे, जिसके बाद से पूरे देश भर में लगातार सवाल उठने लगे कि आखिर शाहीन बाग को हाईजैक कर लिया गया है क्या, वहां पर देश विरोधी ताकतें अपना पांव पसार रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही थी। इसके बाद से दिल्ली के सांसदों में से एक है और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा था कि ये लोग बेहद ही संगीन है और जम्मू कश्मीर के बाद ये वो लोग हैं जो एक दिन हिंदुओं को परेशान करेंगे, उनके घर में घुस जाएंगे। बहुत सारा बयान आया था, लेकिन अब बयान दिया है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, और जब भी बोलते हैं तब भी वो चर्चा में आ जाते हैं, वो है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने आज बयान दिया है और क्या कुछ कहा है शाहीन बाग के लोगों से लेकर के, कश्मीर से लेकर के असम को अलग करने के लिए जो बयान दिया था शर्जिल इमाम, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बयान दिया है। आइए पहले वो आपको सुनवाते हैं। जी दादा, आज पत्रकार पूछ रहे हैं कि प्रवेश वर्मा कह रहा है कि अगर मोदी की सरकार नहीं रही तो शाहीन बाग वाले घर में घुस करके बलात्कार करेंगे, हमारी हत्या भी कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, साहब प्रवेश वर्मा जी ने कौन सा गलत कहा है? उनके अंदर ये भय क्यों आया? भय इसलिए आया कि शाहीन बाग के समर्थन में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र कहते हैं कि जो मेरे कौम से टकराया है दुनिया में वो बर्बाद हो गया है, यहां भी बर्बाद कर दूंगा। उसी शाहीन बाग के समर्थन में जरील इमाम कहते हैं कि मैं भारत को, आसाम को भारत से काट दूंगा और भारत को बर्बाद कर दूंगा। उसी शाहीन बाग से सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती दी जाती है और उसी शाहीन बाग में दीपक चौरसिया जैसे पत्रकारों का भी मॉब लिंचिंग की कोशिश की जाती है और उसी शाहीन बाग में लोग कहते हैं क्यों नहीं जा रहे हो, तो लोग सुधीर चौधरी और दीपक चौरसिया जैसे पत्रकार जा रहे हैं तो उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा, भय दिखा रहे हैं। तो आपने देखा शर्जिल इमाम समेत तमाम उन नेताओं पर, उन लोगों पर बरस पड़े हैं गिरिराज सिंह, जो देश को बांटना चाहते हैं, देश में कम्युनलिज्म करना चाहते हैं। साथ ही साथ गिरिराज सिंह ये बात भी कह रहे हैं कि ये लोग देश को बांट देंगे, इनसे बच कर रहने की जरूरत है। साथ ही वो ये भी जिक्र कर रहे हैं कि ये लोग अगर देश के लिए काम कर रहे थे तो फिर पत्रकारों के साथ ये अभद्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं। जी हाँ, पत्रकारों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है शाहीन बाग में। कुछ पत्रकार गए थे, उन पर हाथापाई भी किया गया, कुछ पत्रकारों को तो जाने ही नहीं दिया गया, उनको एक दायरे से ही रोक दिया गया। तो शाहीन बाग के लोग आखिर करना क्या चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। लगातार बीजेपी से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप और आपके लोग शाहीन बाग में लोगों से जाकर के मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इस पर वो कहते हैं कि ये तो अभी फिलहाल सत्ता में अरविंद केजरीवाल है, वो क्यों नहीं जाते। मनोज तिवारी भी लगातार इन बातों का जिक्र कर रहे हैं और सभी लोग कह रहा है कि शाहीन बाग में पहले सत्ताधारी दल को जाना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी शाहीन बाग के साथ तो खड़ा है लेकिन वहां जाना नहीं चाहता। सवाल यह भी है कि आखिर क्यों शाहीन बाग से ये लोग बचते नजर आ रहे हैं। अगर शाहीन बाग के लोगों के पास कोई प्रॉब्लम है तो उसे कोई क्यों नहीं सुन रहा है। दूसरा सवाल यह भी है कि शाहीन बाग के लोगों का प्रदर्शन करने का क्या ये तरीका सही है।
देश विरोधी नारे देना, क्या ये सही है? जिसके बाद से लगातार शाहीन बाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चल रहा है शाहीन बाग के अंदर। हम भी लगातार शाहीन बाग पर कवरेज कर रहे हैं और इस वक्त हर रोज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ना कोई शाहीन बाग पर लगातार बयान दे रहा है और हम भी लगातार इन मुद्दों पर कवर कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं और आपको दिखाते भी रहेंगे क्या कुछ चल रहा है शाहीन बाग समेत देश भर में धरना प्रदर्शन को लेकर के। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप लगातार देखते रहिए नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। जी हाँ, जाते जाते आपको बता दें कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके आप मुझे अपना सुझाव भी दे सकते हैं। मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत, नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।